ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। स्वागत है आप सभी का महिंद्रागुरु.com के इस वीडियो सेशन में, जहां पर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए महिंद्रा गुरु SBI स्पेशल कंटेंट लेकर आया है, जो आपको आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। और आज का विषय जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है MS Word Part 2, जिसमें हम लोग लेआउट के बारे में चर्चा करेंगे, MS Word 2007 के लेआउट के बारे में, जिसमें बटन्स के बारे में बताया जाएगा, मेन्यूज के बारे में बताया जाएगा। आइए देखते हैं क्या है आज के डॉक्यूमेंट, MS Word लेआउट। देखते हैं, सबसे पहले जो बार हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं उसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार डॉक्यूमेंट विंडो का सबसे ऊपरी बार है, जिसमें करंट डॉक्यूमेंट का नाम होता है। देखिए, पहली स्टेटमेंट में काफी कुछ हमें मिल गया। टाइटल बार कहां स्थित होती है, लिखा हुआ है सबसे ऊपरी बार है, सबसे ऊपरी मतलब टॉप मोस्ट बार है। और क्या होता है उसमें, उस डॉक्यूमेंट का, जिस भी डॉक्यूमेंट की वो टाइटल बार होगी, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है टाइटल बार में। यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये आपकी जो है वो टाइटल बार है, जो उस करंट डॉक्यूमेंट का नाम होल्ड करती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमारे पास क्या है। यहां पर हमारे पास है ऑफिस बटन। क्या होता है ऑफिस बटन, अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसा बटन जो कि MS Word 2007 के बाएं तरफ, ऊपरी बाएं तरफ पाया जाता है। किस काम आता है ये, देखते हैं। एमएस वर्ड के ऊपरी बाएं तरफ स्थित होता है ये आपका ऑफिस बटन। क्या काम करता है इसको नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। इसमें हमारे पास वेरियस ऑप्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि न्यू, जैसे कि ओपन, जैसे कि सेव और सेव एज, और सबसे जरूरी वाला जो कि है प्रिंट। ये इस तरीके के ऑप्शंस आपको ऑफिस बटन के अंदर देखने को मिलते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं, न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, प्रिंट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके के ऑप्शंस आपको इस ऑफिस बटन के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत जरूरी ऑप्शंस में से आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। यहां पर हमारे पास है टैब। अब ये क्या है, जानते हैं इसके बारे में, शायद आप लोगों ने कभी ना कभी इसका इस्तेमाल किया होगा। हम टैब उन बटन्स को कहते हैं, पहली बात तो ये कहां स्थित होते हैं, टाइटल बार के जस्ट नीचे स्थित होते हैं। दूसरी बार, ये वो बटन्स होते हैं जो, ये वो टैब्स होते हैं रादर, जिसमें बहुत से ऑप्शंस पहले से मौजूद होते हैं। अगर यहां पर मैं नाम बताना चाहूं तो हमारे पास होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट टैब होता है, रिव्यू टैब होता है, व्यू टैब होता है, रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इस तरीके के टैब्स अवेलेबल होते हैं आपके इस हेडिंग के अंदर, जो कि कहां स्थित है, टाइटल बार के जस्ट नीचे मौजूद होता है। रिपीट कर देता हूं, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, रिव्यू टैब, व्यू टैब, और जो यहां पर नहीं मेंशन हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं रेफरेंस टैब है, मेलिंग टैब है, ये सभी टैब स्थित होते हैं आपके इस सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास आज के विषय में। यहां पर है क्विक एक्सेस बार। देखिए, बहुत जरूरी चीज है क्विक एक्सेस बार। क्यों जरूरी है बताते हैं। क्विक एक्सेस बार एक तरह का कस्टमाइजेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, ये बात जानते थे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए। ये एक तरीके का कस्टमाइजेबल, कस्टमाइजेबल का यहां पर मतलब है जिसमें हम अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं। और कस्टमाइजेबल होने के साथ साथ ये क्या है, ये एक तरीके का ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है, कस्टमाइजेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कहां पाया जाता है, आपने कभी देखा होगा, कभी अगर ध्यान दिया होगा तो ऑफिस बटन के जस्ट बगल में पाया जाता है, यह भी ऊपरी बाएं तरफ ही पाया जाता है, ऑफिस बटन के जस्ट बगल में, नेक्स्ट टू ऑफिस बटन जिसे हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आगे हमारे पास है स्टेटस बार। अब स्टेटस बार क्या होता है, अभी तक तो जितनी भी बार्स की है, जितने भी हमने टैब्स की बात की थी, वो ऊपरी तरफ पाए जाते थे। स्टेटस बार एकमात्र ऐसा बार है जो निचली तरफ पाया जाता है उस डॉक्यूमेंट विंडो की। देखते हैं, यह बार डॉक्यूमेंट के नीचे स्थित होता है, जो हमें टोटल वर्ड्स और पेज नंबर जैसी इंफॉर्मेशन देता है। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, टोटल वर्ड्स कितने हैं, किस पेज पर हम लोग काम कर रहे हैं, करंट पेज की बात कर रहे हैं यहां पर, किस पेज पर काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें वो प्रदान करता है। बहुत जरूरी है स्टेटस बार, अगर आप देखें, वो एक अलग बात है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, मगर स्टेटस बार काफी ज्यादा और काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, जो कि निचली तरफ पाया जाता है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो पे। आगे बढ़ते हैं, ओके, यहां पर हमारे पास कुछ प्रश्न है, देखते हैं ये प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं। ये प्रश्न हमसे, पहला प्रश्न जो यहां पर है वो हमसे पूछ रहा है, डैश बार डॉक्यूमेंट का नाम दर्शाती है।
ओके, आप जानते हैं वो कौन सी बार है जो डॉक्यूमेंट का नाम दर्शाती है, क्या कहेंगे उसको? नेम बार। जी नहीं, उसको क्या कहेंगे? हाँ वो बिल्कुल सही, वो है आपकी टाइटल बार। टाइटल बार वो बार है जो डॉक्यूमेंट के नाम को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। डैश सॉफ्टवेयर हमें टेक्स्ट को एडिट और फॉर्मेट करने की सुविधा देता है। जी हाँ, आप जानते हैं पिछले वीडीपी में हमने इस पर चर्चा भी की थी। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है? क्या वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? क्या इनमें से कोई भी एक है? जी नहीं, वो इनमें से कोई भी नहीं है। क्या है फिर वो? उस कैटेगरी को क्या कहते हैं? उस कैटेगरी को कहते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि वो सॉफ्टवेयर जो हमें टेक्स्ट को एडिट या फॉर्मेट करने की सुविधा देते हैं उसको वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आ भी चुका है, पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा प्रश्न है हमारे पास। ओके, तीसरा प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है, एमएस वर्ड 2007 में ऊपरी बाएं तरफ पाए जाने वाले बटन का नाम बताएं। आप जानते हैं अभी उसी पर चर्चा कर रहे थे। जी हाँ, ऊपरी बाएं तरफ पाए जाने वाले, अगर इंग्लिश में आप चाहते हैं तो टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर जो है उस पर पाए जाने वाले बटन का नाम बताएं। जी हाँ, उस बटन का नाम क्या है? उस बटन का नाम है ऑफिस बटन। देखते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही, उसका नाम है ऑफिस बटन। आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ और वो हमसे पूछ रहा है एमएस वर्ड 2007 का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन के बारे में पिछले वीडीपी में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अब याद करने की कोशिश कीजिए। कुछ बताया था हमने आपको कि किस तरीके से आपको याद करना है एक्सटेंशन। जी हाँ, 2007 से जितने भी वर्जन है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन कुछ और है, 2007 से पहले के जितने वर्जन है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन कुछ और है। बताइए, आप सोचिए। जी हाँ, 2007 से पहले कौन से वर्जन, जो वर्जन उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन है .doc या .doc। अब 2007 में कुछ एक चीज, एक कैरेक्टर ऐड होता है, वो क्या कैरेक्टर है? जी हाँ, वो है एक्स। कहाँ ऐड होगा, पहले या बाद में? वो ऐड होगा बाद में। मतलब डिफॉल्ट एक्सटेंशन अगर 2007 की बात करें तो वो हो जाता है आपका .docx। ध्यान देने वाली बात है ये .docx, बहुत जरूरी है, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। 2007 का डिफॉल्ट एक्सटेंशन या 2007 से जितने भी वर्जन हैं उसका, उसके वर्ड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .docx। इस बात को अवश्य नोट कर लें। नेक्स्ट डीजी पेज जो हमारा होगा वो होगा एमएस वर्ड 2007 के शॉर्टकट पर। बहुत जरूरी डीजी पेज होने वाला है और ये आखिरी डीजी पेज भी होगा एमएस वर्ड पे। इसके बाद हम लोग एमएस एक्सेल की तरफ रुख करेंगे और फिर एमएस पावर पॉइंट की तरफ। तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है यहां पर कि किसी भी हाल में इस डीपी को मिस ना करें। हमारे साथ इस वीडियो सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ और हमें कमेंट जरूर करें mahindraguru.com पर, और हमसे जरूर जुड़े mahindraguru.com पर, और अपने YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जो कि है www.youtube.com/c/mahindraguru videos। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। धन्यवाद।